ना वो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, लोग उग्र बयान देंगे, नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है क्योंकि आप युद्ध लड़ रहे हैं। ये कौन है? देखिए मैं वही तो कह रहा हूं, 100 साल भी नहीं हुए इनको आए, इसके पहले हजारों साल से है सनातन धर्मी हिंदू रह रहे हैं, ये थे क्या तब? और तब तलवार के बल पे सब कुछ होता था, राजा के मुख से निकली बाणी कानून होती थी, तब सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं था। आज ये आके बताते हैं खतरा है, ये खुद भी हिंदू नहीं है, जैसा कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने बताया है, उन्होंने किताब लिखी है, इन्होंने खुद बताया है। ये हमारे प्रवक्ता मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं विनोद भंसल जी, बैठे हुए हैं, CIA ने इनके लिए क्या कहा है, अमेरिकी एजेंसी इनके लिए बजरंग दल को क्या तकमा बताया था? तो क्या ये छोड़ो भाई, यहाँ पे आप कुछ भी बोलते रहो, अच्छा ठीक, मतलब अखिलेश जी मतलब वो मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं और देश को अंदर से खतरा है, आप कह रहे हैं सब बोगस बात है? वो उनका जो है ना, वो लड़ रहे हैं जंग लोगों में नफरत फैलाने का, वो लड़ रहे हैं। फैक्ट ये है, ये देश बहुत सहिष्णु है, सबको ले के चलता है, और उस समय भी जब हम आज हैं और हमारा सब कुछ एक तरह से स्थापित है पूरी दुनिया में, तब तो ये नहीं थे, और आज ऐसे आके बताते हैं जैसे सब इन्होंने बचा के रखा है और सब अपने आप को ले रखा है। वो गांव में कहावत है ना, एक चिड़िया जो है जब खेत में सोती है तब पैर ऊपर करके सोती है, क्यों? उसे लगता है कि आसमान गिरेगा तो हम रोक लेंगे। अच्छा तो वही हालत है। अच्छा ठीक है, तो वो तो आगे ये भी कह रहे हैं, मैं विरोधी के पास जा रहा हूं, एकता में एकता जी, ठीक है, अनेकता में एकता ही हमारी ताकत है। अच्छा मुंडे मते भिन्ना, आप अखिलेश जी कह रहे हैं, विनोद जी के पास जा रहा हूं, अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं आज देश इतना मजबूत है, आज समाज इतना मजबूत है, इसका श्रेय लेने के लिए संघ आ गया। जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब कहीं नहीं थे, जब वास्तव में खतरा था समाज के ऊपर तब कहां थे संघ वाले, तब संघ था भी नहीं, अस्तित्व भी नहीं था। और उसके आगे जो मोहन भागवत जी कहते हैं कि अब हिंदू समाज सबल हो गया है, हम किसी का कुछ नहीं करेंगे लेकिन कोई कुछ हमारा भी ना कर सके, यानी हमारा कोई अनिष्ट ना कर सके, ये तो तय करना पड़ेगा, तो इससे वो क्या आशय रखते हैं विनोद जी? देखिए दो चीजें हैं इसमें, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग इस बात का दंभ भरते हैं कि मैं आजादी के आंदोलन में भागी रहा, मेरे पूर्वजों ने ये किया, तो कांग्रेस ने क्या किया पूरी दुनिया को पता है। वो कांग्रेस तो उसी समय समाप्त हो गई थी जब देश आजाद हुआ, तो महात्मा गांधी ने कहा ही था कि इसको विभाजन कर देना चाहिए, विलय कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए इसको। आप मुझे बताइए कि ये जो है, ये जो कांग्रेस का जो विकृत स्वरूप है, जो फर्जी गांधियों को लेकर के आज जो कांग्रेस आगे बढ़ रही है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँ, जो विषय अंतर हो जाएगा, लेकिन ये जवाब देना जरूरी था जिस तरह की भाषा का प्रयोग ये कर रहे थे माननीय प्रवक्ता जी। दूसरी बात ये कि ये जो रजाकारों की जो पार्टी है जिसने राष्ट्रद्रोह में और भारत विरोधी जो नीतियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, अंग्रेजों की तरफ से और मुगलों की तरफ से लड़ते रहे, और किसको नहीं पता कि हैदराबाद के निजाम को नीचे झुकाने के लिए स्वयं अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो ये सारे रजाकार हमारे ऊपर हमलावर होते होते हैं। आज जो पाकिस्तान की जगह एक और पाकिस्तान यहाँ खड़ा हो जाता हैदराबाद के अंदर। लेकिन खैर बात अलग है, मैं उस विचार में नहीं जाना चाहता कौन कितना देश के, आपके सिद्धि दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि आजादी के आंदोलन में किसने कितना पार्टिसिपेट किया और किसकी वजह से आज देश बचा हुआ है। चलिए ठीक, लेकिन एक अंत अब मूल बात ये, तो पूजनी सरसंघ चालक जी ने जो बात कही उस बात को जिस तरह से ये जो लोग छिछली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरह से पूजनी सरसंघ चालक जी जैसे महान व्यक्तित्व के विषय में इस तरह की गंदी जो एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, तू कौन होता है, वो कौन होता है और वो कौन होते हैं, तुम्हें किसने अधिकार दिया, अरे इसी बात से आपको पता लग रहा है कि आप कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। देश के सुधी दर्शक इंडिया टीवी के अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस जिसकी धरातल राजनीतिक धरातल जो रसातल में जा चुका और टटोल रही है, जिसकी जमानत जब्त होने के लिए भी उतने वोट नहीं मिल रहे, वो अपने आप को दम भर के कहता है कि मोहन भागवत कौन होते हैं। अरे शर्म करो यार, कम से कम किसी की पूजनीय को तो कम से कम आहत मत करो, लेकिन पूजा करने वाली वस्तुओं को या जो आदर के स्थान है भारत के उनको अपमानित करने की तो पुरानी प्रकृति प्रवृत्ति और संस्कृति रही है कांग्रेस की और कांग्रेस के फोक में जन्मे सारे राजनीतिक दलों की। मैं आ रहा हूं मूल पर। सौरभ जी देखिए जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं उसके पीछे दो मूल तत्व हैं जो मैं समझाऊं। देखिए उनकी बातों को समझना वैसे मेरे लिए बहुत कठिन काम है,
देखिए मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ उनके समक्ष, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज देश के अंदर जिस तरह से इस्लामिक कट्टरता और मिस्रियों के प्रति जो समर्थन जो इलीगल कर रहे हैं, इलीगल कन्वर्जन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, ये आप सुप्रीमेसी थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ही मजहब सर्वोच्च है, मेरे ही सिद्धांत बढ़िया है, मेरी किताब सर्वोपरि है। अगर कुरान के अंदर किसी को कोई इस्लाम को नहीं मानता तो काफिर है, अनेक बार इस बात को प्रचारित हो चुका, लेकिन अब ये चीजें भारत के अंदर नहीं चलने वाली भाई। अच्छा विनोद जी, यही सवाल है, यही प्रश्न है। एक मिनट, आपने भी रतन जी ने भी यही बात कही थी और शब्दों में आपने भी वही बात कही, मैं जरा मुफ्ती साहब के पास जाऊं। मुफ्ती साहब, दो पहलुओं में इस बात के। पहली बात, वो कहते हैं ये सुप्रीमेसी वाली सोच, यानी मैं बड़ा हूं मेरी सोच ही ठीक है तुम गलत हो, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये सोच हमारे यहाँ पर कितनी फैली हुई है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, अगर है एक बात। और दूसरा, जब वो कहते हैं कि सोच को त्यागना पड़ेगा, तो आप क्या कर लेंगे, कोई भी क्या कर लेगा इस सोच को हटाने के लिए? देखिए, मैंने तकरीबन पूरा इंटरव्यू देखा है मोहन भागवत जी का। अगर नसीहत लेने वाला और समझने वाला आदमी है तो बहुत अच्छी बात है, देश को जोड़ने वाली, समाज को जोड़ने वाली। और किस समाज में क्या अच्छा, एक बात आपने नोट की होगी सौरभ भाई, के साथ साथ उन्होंने अपने लिए भी वही बातें बोली हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये बड़ाई वाली बात मुसलमान है या हिंदू है जो भी है उसको छोड़नी होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जिसने सीखना है उससे उसने सीखा है, और जिसने उस पर कीचड़ उछालना है, और कीचड़ भी वो लोग उछालते हैं जो जिंदगी में कभी सही बोले नहीं, उनका उनका बोलना ही बकवास है। देखिए, ये इस्लाम, मैं एक आलिम हूं तो मैं इस्लाम ही बात करूंगा। इस्लाम भी यही कहता है कि हम किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, और सबका अपना सम्मान, सबका अपना एहतराम, सबकी अपनी इज्जत, और किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और मैं ऊपर हूं ऐसा इस्लाम नहीं सिखाता है जी, कि मेरे बाप दादा औरंगजेब थे, बहादुर शाह जफर थे, 800 साल हमारी हुकूमतें रही हैं, आइंदा भी हम राजा बनेंगे, ऐसा भी हिंदुस्तान में सोच रखने वाले जो है वो नफरत ही फैला सकते हैं, मोहब्बत नहीं फैला सकते। और मोहन भागवत जी ने बहुत सारी, मतलब जितने भी उनसे सवाल किए गए उनका क्लियर जवाब दिया गया है, और वो देश के लिए नसीहत है। ठीक है, और मैं जहां तक समझता हूं कि मुसलमान सुप्रीमेसी वाली बात आ रही है, ये है, ये सपना है इनका। लाल किले के सामने से, ताजमहल के सामने से गुजरते हैं तो इनको एहसास होता है कि 800 साल रहे और दोबारा फिर आना है। लेकिन सपना किसका है? उसी लिए आज लोगों का सपना है, विश्वास चंद नेताओं का सपना है, चंद उवैसी जैसे नेता, चंद उवैसी जैसे नेता। भाई हैदराबाद की विचारधारा, अभी बता रहे थे कि अगर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल मेहनत ना करते, जद्दोजहद ना करते तो क्या हालात होते। अभी मैं देख रहा था कि जब सरतन से जुदा की बात आ रही थी, ओवैसी पूरी दुनिया में इधर उधर की बातें कर रहे थे, एक बार भी हैदराबाद में बैठकर उन्होंने अपने लोगों से, अपने कॉर्पोरेटर से नहीं कहा कि तुम चुप हो जाओ और सरतन से जुदा हमारी बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। ब्रेक के लिए रुकना है। देश में कहा मोहन भागवत जी ने जो बातें कही, अच्छी बातें कही, और उस सब पर लागू होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सोच रखने वाला केवल किसी और धर्म का नहीं, अगर हिंदू धर्म का भी हो तो उसको भी ये विचार त्यागना पड़ेगा। जिसको अच्छी नसीहत लेनी है वो लेगा। आपने ओवैसी साहब के बारे में बहुत कुछ कहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए